हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल लक्ष्य। आज का ये DIY शेयर करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ इसको बनाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसको बनाने के लिए आपको एक खाली नेल पेंट का बॉटल चाहिए होगा और ये मोल्डेड क्ले जो किसी भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इन दोनों को मिक्स करके आप अच्छे से बेल लीजिए। बेल करके आप इसको, जो आपका बॉटल है उसके ऊपर आप इसको कवर कर दीजिए। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फ्रेंड्स, एवरी मंडे मैं आपके साथ इस तरह के क्रिएटिव आइडिया शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अब जो ऊपर बची हुई जगह थी मैंने उसको भी कवर कर दिया है और ये जो इसके एजेस दिखाई दे रहे हैं, इसको फिनिशिंग देने के लिए आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो छोटे छोटे कॉइल बनाएं और उनको इस तरह से गोल आकार देकर आपका जो क्राफ्ट है उसके ऊपर चिपका दें। आगे वीडियो में हर एक छोटी से छोटी डिटेल को शेयर किया गया है, जिससे आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। यहाँ मैं इसके हॉर्न बना रही हूँ, सींग भी कह सकते हैं आप। उसके लिए एक कॉइल बनाकर मैंने उसमें नारियल की सींग को इंसर्ट कर दिया है, जिससे कि वो शेप में रहे, टेढ़ा मेढ़ा या मुड़े नहीं। इसके लिए मैंने दो हॉर्न बना के तैयार कर लिए हैं और इनको अब हम इसके ऊपर चिपका देंगे। आइडियल शेप के लिए आपको क्राफ्ट के पीछे कुछ सपोर्ट लगाना होगा, जिससे कि वो मनचाही शेप में रह सके जैसे कि आप चाहते हैं। अब इसके कान बनाने के लिए आप ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। आउटलाइन करने के लिए मैं यहाँ पहले परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि गलती होने के चांसेस ना रहें, और बाद में हम इसके ऊपर कलर का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन पहले हम मार्कर की मदद से इसको आउटलाइन करेंगे। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर हम उसे ब्लैक कलर से पेंट कर लेंगे। इस तरह के दीपक सभी के घरों में मिल जाते हैं, इसको भी ब्लैक कलर से पेंट करके इस कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देंगे। गोल्डन कलर को स्पॉन्ज पर लेकर अपने क्राफ्ट को हाईलाइट करेंगे।